हेलो बच्चों, आज हमें कुछ और क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज सेलेक्ट किए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन ये है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। एक एक करके सबको रिवाइज करेंगे आज, ठीक है? तो बच्चों, इस ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? तो पहले आप लोग सोचिए, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू आपको इंटीग्रेट करना है, वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है? तो अब आप लोग इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, सोचो खुद से, दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो। वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स लिखा हुआ है और माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग जब क्वेश्चन ऐसे देखा करो तो आप लोग जो है ये वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले ध्यान किया करो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तो इस प्रॉपर्टी को एक बार जरूर दिमाग में लाया करो, ठीक है? a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? a टू b एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो a टू b, और जहां पर x लिखा हुआ है ना, यहां पर a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो। तो a प्लस बी माइनस एक्स अगर यहां पे हम लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कुछ और नहीं समझ में आ रहा है उसमें क्या करें, तो इस प्रॉपर्टी से आप लोग स्टार्ट किया करो, ठीक है? वैसे ये माइनस ए से प्लस ए ऐसा कुछ दिख रहा है, तो माइनस ए से प्लस ए जब लिखा होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो हम लोग वहां पर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी भी लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पर इस वाले क्वेश्चन में ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है, ये ना तो इवन फंक्शन है ना तो ऑड फंक्शन है, इसलिए हम लोग इवन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लगाएंगे यहां पर। तो इवन ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी तो यहां नहीं लग रही है, पर ये वाली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी क्वेश्चन में आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिला करे तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को जरूर लगाया करो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर उस तुरंत कुछ और ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को तुरंत अप्लाई कर दिया करो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, मैक्सिमम चांस होते हैं कि क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, या तुम्हें कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है? तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? यही सब तो रिवीजन का फायदा है जो मैं तुम लोग को ये बता रहा हूं कि कब क्या कैसे करते हैं। तो यही सब तो रिवीजन का फायदा है कि आप लोग ये सुनते सुनते आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे ही सॉल्व करना होता है हमें, ठीक है? ऐसे ही सोचना होता है, अप्रोच हमारा ऐसा होना चाहिए, है ना? चलो देखो, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक चीज और कर लिया करो, इसे तुम लोग आई मान लिया करो, ठीक है? जब भी आप सॉल्व करने चलो तो माइनस पाई इसको आई मान लिया करो, जिसे आप लोग सॉल्व करने जा रहे हो। तो आई बराबर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, वन अपॉन वन प्लस ई टू पावर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है? सबसे पहले इसको हम आपने आई मान लिया और फिर आपने वही वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है? आपने जब वो प्रॉपर्टी लगाई ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है? तो a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें जहां कहीं भी x लिखा हुआ है, अरे यहीं पर तो लिखा हुआ है, तो वहां पर इन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स लिख दो, ठीक है भाई? यहां पर जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर आपको ये लिखना है, ठीक है? a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स करने के चक्कर में आप लोग देख रहे हो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू जुड़ करके जीरो हो जाएंगे, ठीक है? ये दोनों मिल करके जीरो हो जाएगा। तो वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर साइन ऑफ, साइन के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो कि जीरो हो चुका है, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहां पर माइनस एक्स डी एक्स बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे आपने प्रॉपर्टी लगाई ए प्लस बी माइनस एक्स और ये हो गया, ठीक है? तो इससे कुछ तो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग कोशिश क्या करो कि हर क्वेश्चन पहले लगा के चेक कर लो एक बार, ठीक है? तो चलो, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ये बन जाएगा कितना, माइनस साइन एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स बन जाएगा। ध्यान दो, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये माइनस साइन एक्स है, ठीक है? तो ई टू द पावर माइनस साइन एक्स बन जाएगा जब, तो इसको हम वन अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स लिख सकते हैं। ध्यान दो, जैसे e टू द पावर माइनस टू लिखा हुआ है तो इसको वन अपॉन ई स्क्वायर लिख सकते हो ना, उसी तरीके से ये जो साइन माइनस एक्स है ना, तो माइनस बाहर निकल आएगा, और माइनस जब बाहर निकल आएगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों लिखते हैं, इसके लिए तमाम क्वेश्चन तुम कर चुके हो,
और बहुत से बच्चों को ये आइडिया लग गया होगा ऐसा क्यों करते हैं, बोलो ऐसा क्यों करते हैं, सोचो ऐसा क्यों करते हैं, इसको हटा दे रहा हूं ठीक है ताकि जगह हमें मिल जाए। हाँ अब बताओ ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये इसका एक पार्ट ऊपर चला है ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ये बन जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स, और नीचे ई टू द पावर साइन एक्स, और ये प्लस वन डी एक्स। देखो ध्यान से सही है, अरे यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर साइन एक्स प्लस वन, और ई टू द पावर साइन एक्स जम करके ऊपर पहुँच गया ठीक है। कूदा गादी समझ लेते हो ना तुम लोग कैसे कूद रहा है, हाँ ठीक है ऐसा हो गया। तो देखो हमारा क्वेश्चन ये था ठीक है, और हमने प्रॉपर्टी लगाया लगा उगा करके यहां तक आकर के हम रुक गए ठीक है। अब यहां पर आके ठहर गए, रुक नहीं गए ठहर गए, अभी चलना है फिर से हमें आगे। अच्छा इसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंड रिजल्ट को, स्टार्टिंग ये तो क्वेश्चन है और एंड ये है, अभी फिलहाल जब यहां तक हम पहुंचे हैं ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा करके, तो ये जो कुछ हमें मिल रहा है ना इसको हमें स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन से ऐड करना होता है, माइनस नहीं करना है मल्टीप्लाई नहीं करना है, सब बता चुका हूं तुम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन में, माइनस नहीं करना है मल्टीप्लाई नहीं करना है डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ आप ऐड ही कर सकते हो। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब इसको और इसको तुम लोग जोड़ दो, जरा इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आएगा, नीचे वाला तो कॉमन है वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर साइन एक्स प्लस वन, अरे भाई ये दोनों तो कॉमन है ना, तो नीचे वाला तो कॉमन है और ऊपर का बन जाएगा वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, तो वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, और नीचे कितना आ रहा है ई टू द पावर साइन एक्स प्लस वन, ठीक है कुछ भी लिख दे यार नीचे भी वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स लिख दे रहे हैं ठीक है, वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, नीचे वाला कॉमन है दोनों में ठीक है, ये और ये कॉमन है, और जब इन दोनों को ऐड कर रहे तो नीचे वाला कॉमन है, तो वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स बच्चा ठीक है। अब इन दोनों बचे हुए एक्सप्रेशन ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो, तो जो नीचे है वही ऊपर है, दोनों कैंसल आउट हो गया और ये बन गया कितना 2i बराबर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वन डीएक्स। देखा यही फायदा होता है, देखो ये जो फायदा हुआ है ना बेटा इसके लिए हम लोगों को कुछ याद करना होता है, क्या याद करना होता है, छोटी छोटी चीजें हमें याद करनी होती। तो देखो तुम्हारे सिलेबस में कोई बड़ी चीज तो है नहीं है ना, कोई कह दे नहीं हम बड़ी बड़ी चीज याद करते हैं, अरे तुम्हारा सिलेबस 12th क्लास की चीज है, अरे यार क्या है कुछ नहीं है। हाँ जैसे केजी होता है, जैसे केजी वन होता है, जैसे केजी टू होता है, हाँ अपर केजी लोअर केजी ठीक है, और फिर क्लास फिफ्थ होता है टेंथ होता है, उसी तरीके से ये भी होता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़े आसानी से हो जाता है ठीक है। देखो बच्चों 2i बराबर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू वन डी एक्स जो मिला है आपको, बड़े आसानी से अब इसका तुम आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को सिंपल एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन हमें मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो हमें a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि हम यूज़ कर दें उसमें ठीक है। अगर कोई शॉर्टकट या कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलता है कि तुरंत आंसर आ जाए, अगर कोई तुरंत आंसर आने वाला कोई चीज़ है तब तो ठीक है, मगर यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है और या थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप सीधा सीधा a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा करके समझ लिया करो उसकी किस डायरेक्शन में ये सोल्यूशन जाएगा ठीक है। तो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो और अपने को सेट कर लो कि हम किस साइड में जाएं ठीक है। तो फिलहाल हमने वही किया था और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद कुछ रह नहीं गया इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू आएगी x और फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा पाई के बराबर ठीक है। समझ में आ रही बात, तो 2i बराबर पाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि i बराबर पाई बाई टू ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, पाई बाई टू के बराबर है इसका आंसर, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए ठीक है, बी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया बच्चों किस तरह से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन है जिसको हमने रिवाइज किया, अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे ठीक है। तो बच्चों ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसे हमें रिवाइज करना है।
द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x³ - 15x² + 36x + 6 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, और इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा इंटरवल है जिसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे कहा जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आप लोग एफ डैश एक्स निकाल करके लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो करते हो। ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई ठीक है कोई फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? हाँ, जब कभी तुमसे कहा जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कर दीजिएगा, और ऐसे करके फिर आप लोग जो भी एक्सप्रेशन पाते हो फिर उसको सॉल्व करिए। और अगर कहा जा रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो को आप सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, और उसके बाद आंसर निकालेंगे कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या रिवाइज करने के लिए लिया गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कहा जा सकता है, आपसे इंटरवल निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो एफ एक्स बराबर ये है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर है इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए। तो एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, 2x³ - 15x² + 36x + 6। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और उसको लेस देन जीरो करोगे। एफ एक्स बराबर ये है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, तो आप लोग ये सॉल्व करोगे एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6x² ठीक है, और माइनस कितना जाएगा 30x, ठीक है, और प्लस 36, और इसको सॉल्व करोगे लेस देन जीरो। जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है हर आगे वाले x पर y की वैल्यू घट जा रही है। जब x के बढ़ने के साथ साथ y घट रहा है, ठीक है, x के बढ़ने के साथ साथ y घट रहा है, तो स्लोप जो है ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फिलहाल dy by dx या f dash x is less than 0 सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते देखते क्या बनता है। तो अब 6 कॉमन ले लिया, x² - 5x और प्लस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, और 6 तो उधर चला जाएगा, तो ये आ गया x² - 5x + 6 = 0। हाँ, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लिया जाए, x - 2 × x - 3 = 0। ये करने में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक तो आप अच्छे से जानते हो इसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज हो गया। अब ये जो सॉल्व करना है x - 2 × x - 3 = 0, बच्चों इसको तो बड़े आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो नंबर लाइन से। ये 2 बनाया, ये 3 बनाया, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, आता है ना तुम लोगों को, वेरी गुड। तो लेस देन 0 कहा जा रहा है, तो लेस देन 0 कहां पर है, ये यहां पर लेस देन 0 है, यहां पर तो पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, 2 और 3 के बीच में इसकी पूरी वैल्यू नेगेटिव है, तभी यहां पर नेगेटिव लिखा हुआ ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 से 3। ठीक है, मतलब x बिलोंग टू 2 से 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 से 3, जिसमें f डैश x लेस देन 0 हो जा रहा है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो तुरंत आप f डैश x लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 कर लिया करें, जैसा क्वेश्चन है वैसा कर लिया करें। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो आप एफ डैश एक्स लेस देन 0 कर लिया करिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर लिया करिए। ठीक है, और लास्ट में कोई इनइक्वालिटी आ जाएगी, आपको उसे सॉल्व करना होता है, और इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना अच्छे से आता ही है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप वो इंटरवल फाइंड आउट करो जिसमें ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स बराबर दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर यहां पे इंक्रीजिंग होता तो यहां पर ग्रेटर देन 0 लेके सॉल्व करते, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेके सॉल्व करते, अगर यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0
और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बड़े आसानी से आप लोग आंसर निकाल लोगे। लास्ट में जो भी इनइक्वालिटी आएगी वो तुम्हारे सिलेबस के अंदर से ही कोई चीज़ होगी, है ना, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं जाएगा। तो लास्ट में जो भी आता है लेस ग्रेटर करके, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन में वो ये है, 2 से 3 के बीच में, मतलब 2 से 3 इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। चलो आज का ये सेकंड क्वेश्चन था, और अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं रिवाइज करने के लिए। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज अ, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव, ठीक है, इन चारों में कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड, ठीक है। और आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो याद होंगी, और सबसे मेन उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो अगर सिमेट्रिक है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए, कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल ए है, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2, 3, 4, हाँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ 3, 5, 7, ठीक है, और मैं यहाँ पे 4, 7 और मान लीजिए 1 ले लेता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज लेते हो तो क्या बनेगा। ट्रांसपोज लेते समय क्या करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो, सेकंड रो को तुम सेकंड कॉलम में बदल देते हो, और तीसरे रो को तीसरे वाले कॉलम में बदल देते हो। अब बताओ ए ट्रांसपोज और ए बराबर हो गए कि नहीं। देखो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, जबकि हमने इसमें रो को कॉलम में चेंज किया है ट्रांसपोज बनाने के लिए। तो कोई भी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कब माना जाएगा, जब जो है प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सिमेट्री लाई करे, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इससे भी बड़ी बात कि ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें दोबारा से लौट करके वही मैट्रिक्स मिल जाता है। देखो यहाँ पे 3, 4, 7 और यहाँ पे 3, 4, 7, ठीक है, जैसे नीचे वैसे ऊपर, जैसे ऊपर वैसे नीचे, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब है, जब उसका ट्रांसपोज लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब है, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं 0, 0, 0 और 2, -2, 3, -3 और -7 और यहां पर 7। तुम ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स में इसका जब ट्रांसपोज लेते हो तो क्या मिलेगा, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दो, मतलब पहले वाले रो से पहला कॉलम बना दो, फिर -2, 0 और -7 कर दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है, और थर्ड वाले कॉलम से हमने थर्ड वाला रो बना दिया, मतलब जब इसका तुम जो है ट्रांसपोज लोगे तो ये बनेगा, ठीक है, -3, 7 और 0। तो ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ये मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में ये वाला संबंध, ध्यान दो ये संबंध है कि नहीं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सिमेट्री तो होती है, पर अगर ये 2 है तो ये -2 है, ये 3 है तो ये -3 है, तो माइनस का भी एक रिलेशन होता है, -7 है तो ये +7 है, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं उसको 0 बनना पड़ता है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है मैट्रिक्स चैप्टर में, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हो। और मैं ये सब क्यों करा पा रहा हूं, क्योंकि मैं ये सब करा चुका हूं, है ना। तो जिसको भी कहीं पर कोई दिक्कत हो तुरंत वहां उस चैप्टर में जाकर के उसे देख लेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे चैप्टर्स जो इसमें जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा भी जो तुम्हारे सिलेबस में है, तो सारे चैप्टर्स के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट है वो मैंने तुम लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग जाकर वहां से डायरेक्टली आप उस प्लेलिस्ट को खोल करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। हाँ, तो देखो जब भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाता है, ठीक है, और एसक्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए।
तो यहां पर देखो इन दोनों में क्या संबंध है, ऐसा लग रहा है कि इसमें माइनस से गुणा कर दो या इसमें माइनस से गुणा कर दो और ये बन जाएगा। इसमें अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये माइनस टू माइनस थ्री, ये प्लस टू जीरो और ये प्लस सेवन, और ये थ्री और माइनस सेवन, और जीरो पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, तो जब कभी कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा। बस इस चीज को ध्यान रखो, यही तो हमें रिवाइज करना है इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो अब चलो ये हो गया, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है, और जब हम किसी बड़े एक्सप्रेशन वाले मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग सबसे पहले उसे हम कुछ मान लेते हैं और उसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में यही करके देखा जाए कि इसमें क्या आता है। तो हमने सब मतलब इस वाले मैट्रिक्स के बारे में पता लगाना है, ये एक जो है ए और बी मैट्रिक्स से जो है बना हुआ कोई जो है ए और बी मैट्रिक्स से बना हुआ कोई तीसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो गिवन क्या, मैं इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा नीचे लिखूं। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई ना, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इससे हम क्या समझते हैं ये हमें यहां लिखना होगा। तो ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा और साथ साथ बी ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर होगा। तो यहां पर दिया हुआ है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तुरंत आपने ये लिख दिया ए ट्रांसपोज बराबर ए एंड बी ट्रांसपोज बराबर बी। अगर ये दिया होता ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो आप लोग क्या करते, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए कर देते, बी ट्रांसपोज बराबर माइनस बी कर देते। और अगर ये दिया होता ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर माइनस बी कर देते। ठीक है, जो स्क्यू सिमेट्रिक है वहां पे माइनस लगा देते, अगर दिया होता तो बी के लिए दिया होता कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज और माइनस बी कर देते। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए एंड बी दोनों जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए लिख दिया और बी ट्रांसपोज बराबर बी लिख दिया। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको पहले इस तरह से लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें पता लगाना है कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। ठीक है, लेट पी बराबर ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसके बारे में पता लगाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या प्रॉपर्टी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको जो है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ डिसाइड करना है तो आप इस पूरे का ट्रांसपोज ले लोगे। ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या मान लिया, पी बराबर ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब इसके बाद हमें पता लगाना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इस पर होल ट्रांसपोज कर देंगे। तो ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इस पर पूरे पर एक ट्रांसपोज साइन लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसे हमने पी मान लिया, और पी मानने के बाद इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसके आगे हम बढ़ते हैं, अभी देखो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ और बताऊंगा, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी का ट्रांसपोज है, इस पर ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सिंपल, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगा दिया। ये जो ट्रांसपोज है यहां पे, इस पूरे पर जो ट्रांसपोज करना है तो हम दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, और बीच में माइनस साइन लगा हुआ है तो यहां पे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज। समझ में आ रही बात बच्चों, एक और प्रॉपर्टी होती है ना, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसके बारे में अच्छे से बता रखा है तुम लोगों को ना मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो अगर किसी को जरा सा भी दिक्कत हो तो वो वहां पे जाके देख लेगा। ठीक है, तो फिलहाल बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, भाई ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो बाद वाले ये जो बाद में बी ट्रांसपोज है ना उसका ट्रांसपोज पहले, फिर ए ट्रांसपोज, ऐसे करके हमने लिख दिया। ठीक है, अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा, तो वो वही आ जाएगा बी ए ट्रांसपोज। भाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, भाई किसी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकाला गया फिर उसका ट्रांसपोज किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो खुद ही मैट्रिक्स मिल जाएगा। भाई पहले आपने ट्रांसपोज निकाला फिर से ट्रांसपोज निकालने जा रहा, तो दोबारा से लौट के वही मैट्रिक्स बनेगा, तो
ये जो प्रॉपर्टी है यहां पर यूज हो रही है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है, ठीक है, और राइट में ए इंटू बी ट्रांसपोज, समझ में आ रही बात, ये आ गया, ठीक। तो बी इंटू ए ट्रांसपोज और माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज, इस तरीके से हम रिजल्ट पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसका ट्रांसपोज निकाला और हमें जो मिल रहा है, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, P ट्रांसपोज बराबर दिस, ठीक है, तो यहां ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, P ट्रांसपोज बराबर बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी का ट्रांसपोज। अब इसके बाद माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा माइनस ऑफ P, ठीक है, तो P ट्रांसपोज बराबर माइनस P आ गया। ध्यान दो, ये मैंने क्यों किया, देखो ये जो हमने मान रखा है ना, इसको ध्यान देना, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो हमने जिसको मान रखा है P के बराबर है ना, हमें इसी के फॉर्म में कुछ करना है। तो बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी का ट्रांसपोज अंत में आया, तो ये वाला टर्म यहां आ रहा है और ये वाला टर्म यहां आ रहा है, और अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो वही बन जा रहा है ना, देखो, तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला आगे आ गया, ये वाला पीछे हो गया, तो माइनस ऑफ दिस, तो जब माइनस ऑफ दिस तो P ट्रांसपोज बराबर माइनस P प्रूव हो गया। तो P ट्रांसपोज बराबर माइनस P का मतलब ये हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये जो P मैट्रिक्स है, अरे इसी को तो हमने P माना है, जिसे हमें प्रूव करना है, जिसे हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसी को तो हम P मानते हैं, तभी तो हम P के एनालिसिस कर रहे हैं, हम P की एनालिसिस कर रहे हैं मतलब हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो P ट्रांसपोज हमने किया, इसका जब ट्रांसपोज किया पता चला लौट करके माइनस P आ रहा है, तो जो P मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो P स्क्यू सिमेट्रिक है और P उसी मैट्रिक्स के बराबर है जिसके बारे में एनालिसिस करनी थी, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन से हमने जो है रिवाइज किया इस क्वेश्चन से कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यह समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं आज रिविजन के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसे हमें करना है, ठीक है, तो 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि ये सॉल्व हो जाए, सोचो सोचो क्या करें, क्या करें बोलो। अच्छा इस क्वेश्चन को देख करके कहां पे दिमाग जा रहा है, तुम्हारा दिमाग यहां पर जा रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, और जहां पर आपको ऐसा लग रहा है बस वहीं पर इसका सलूशन छिपा हुआ है, अंडर रूट एक्स दिख रहा है बस यहीं पर, समझ लो अंडर रूट के अंदर लीनियर मतलब एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स को हम क्या मानेंगे, एक्स को हम टी स्क्वायर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स को हम टी स्क्वायर मान लेंगे, फिर डी एक्स निकालेंगे, टू टी डी टी आएगा। अच्छा ऐसा क्यों माना आपको पता है, एक्स को हमने टी स्क्वायर क्यों माना, ताकि अंडर रूट गायब हो जाए, ठीक है, तो अंडरवुड के अंदर एक्स लिखा हुआ था बस हमने एक्स को टी स्क्वायर मान लिया, डीएक्स की वैल्यू टू टी डी टी हो गई, बस इसका यूज कर दो इसमें काम खत्म। तो जब आप इसमें जब रखोगे तो कितना आएगा, टू टी डी टी अपॉन, अरे भाई डीएक्स बराबर टू टी डी टी रखोगे ना, और यहां पर टी स्क्वायर माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को, इसमें x बराबर तुमने t स्क्वायर ले लिया, और जैसे ही तुमने x बराबर t स्क्वायर ले लिया तो ऊपर 2t dt बन गया और नीचे t स्क्वायर माइनस t बन गया, ये समझ में आ गई बात, अच्छे समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे 2dt अपॉन t माइनस 1, ये कैसे हो गया, अरे t कॉमन लेके काट पीट दिया है ना, चलो और ये बन गया हमारा dt, अब तो तुम्हें आंसर समझ में आ गया होगा है ना, ये आएगा 2 log mod t माइनस 1 प्लस सी, कैसे नीचे लीनियर है ना, तो t माइनस 1 जब लिखा हुआ है नीचे बस log t माइनस 1, ठीक है, बस यहां पर आएगा 2 log और t की वैल्यू अंडर रूट x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या फाइनल हुआ, 2 log mod अंडर रूट x माइनस 1 प्लस सी, और इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले इसमें देखा अंडर रूट x दिखाई दिया, मतलब इसमें बहुत सी चीजें थी, अंडर रूट x इस पर हमारा ध्यान गया, और इस पर हमारा ध्यान गया तो अंडर रूट को हटाने का भी मन किया हमारा, तो x को हमने t स्क्वायर मान लिया,
और जैसे x को t स्क्वायर मान लिया और तुरंत ये अपने सिंपल से फॉर्म में आ गया और आसानी से हमने फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।